साहिल हाँ हाँ आ गया अरे फूफा जी क्या जरूरत है इन सब की जरूरी है बहुत बहुत जरूरी है देवर जी ट्रेडिशंस ही नहीं निभाएंगे तो शादी की शुरुआत कैसे मानी जाएगी नहीं नहीं असली बात तो ये है कि भैया भाभी के साथ अकेले रहना चाहते हैं ठीक है वो तो इन्हें जिंदगी भर साथ ही रहना है लेकिन ऐसा करते रस्म शुरू करते और उसके लिए तो सिक्के और अंगूठी की जरूरत है ना जा बेटा भाभी के कमरे में जल्दी से लेके अभी अरे साहिल भैया हाँ जी मामी जी के कमरे में वो जो चांदी के सिक्के और सोने की अंगूठी है ना वो प्लीज जल्दी से ले आइए जी अरु भाई हमारी इज्जत का सवाल है जल्दी लाना बेटा चलो भाई बैठो बैठो आ जाओ बैठो बेटा आराम से हाँ देखो भाई ये सब तो होता रहेगा लेकिन सबसे पहले मानसी के हाथों मुझे एक काम करवाना है ये लो भाभी जी आप भी ना मानसी काम करने का मन नहीं है तो मना कर दो अभी पहले दिन धाक नहीं जमाओगे ना तो सासू मां भारी पड़ने लगेंगे ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल क्या है मानसी हमारे परिवार के अलावा हमारे घर के नौकरों ने भी तुम्हारी शादी में जी जान से काम किया है मैं चाहती हूँ कि इन्हें अपने हाथों से इनाम दो तुम जरूर माँ जी ये तो बड़ी खुशी की बात है इसी बहाने उन्हें जानने का मौका भी मिल जाएगा ठीक है मैंने इन लोगों के लिए तोहफे लाके रखे हैं साहिल के कमरे में पड़े हैं अभी लाके रखती हूँ हाँ भाई अब बताओ ये साहिल भी ना इतनी महंगी गाड़ी टेबल पे ही छोड़ दी इसलिए इसकी महंगी चीजें गुम हो जाती हैं। भाभी कहाँ रह गई हैं आप आइए सब इंतजार कर रहे हैं ये सब तब किया जाता है जब पति और पत्नी एक बार भी एक दूसरे से मिले ना हो और हम तो कई बार मिल चुके हैं सॉरी आपका दिया हुआ लहंगा मैं नहीं पहन पाई मैं पहनना चाहती थी लेकिन क्या हुआ कि मैं नहीं जानना चाहता मानसी क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन ये सब क्यों हुआ किस वजह से हुआ किस लिए हुआ ये सब अब मेरे लिए बेमायने है क्योंकि अब तुम और मैं पति और पत्नी हैं हमारे आगे एक पूरी जिंदगी पड़ी है एक पूरी शादीशुदा जिंदगी और मैं पीछे मुड़कर देखने में विश्वास नहीं रखता मैं समझ सकता हूँ यहाँ ये सब तुम्हारे लिए एकदम नया है हमारा घर हमारा पूरा परिवार यहाँ तक कि मैं भी
कई बार ऑकवर्ड भी फील करोगे तुम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर एडजस्ट कर पाओ, हमेशा खुश रहो। फिर भी अगर तुम्हें कोई शिकायत हो या कोई परेशानी हो तो तुम प्लीज मुझसे कह देना। मैंने तुम्हारे लिए ये सेंटर वाली अलमारी खाली करवा दी है, तो अपना सारा सामान, गहने, कपड़े सभी रख सकते हो। थैंक्स, मैं कल ही अपना सामान लगा दूंगी और आपका भी सामान ठीक से लगा दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी चीजें अपने तरीके से रखने की आदत है। कोई भी चीज इधर से उधर हो जाती है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तुम्हारे दोस्त नहीं मिले थे शादी में? हाँ, कोई नहीं आया था। मुझे लगा तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। हाँ है, लेकिन मैंने किसी को बुलाया नहीं। वो क्या है ना, मेरे दोस्त कुछ ज्यादा ही हल्ला मचाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके परिवार को कुछ अजीब सा लगेगा, इसीलिए। आपके दोस्त नहीं आए थे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ साहिल के अलावा। मेरा भाई भी वही है और दोस्त भी वही। ग्रेजुएशन यहाँ से की नहीं थी, स्कूल फ्रेंड से बात नहीं होती, और अब काम में इतना ज्यादा बिजी रह जाता हूँ कि दोस्त बनाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। एक जरूरी फोन है दुबई के क्लाइंट का, शायद उसे मालूम नहीं है कि आज हमारी शादी हो गई है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ हाँ, प्लीज, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं बस अभी आया। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। जानती हूँ कि हम दोनों बहुत अलग हैं। काश मैं वो पत्नी बन पाऊं जो आप चाहते हो, काश मैं आपकी दोस्त बन पाऊं। हेलो साहिल, क्यों परेशान कर रहे हो बार बार, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लो, शादी हुई नहीं और बीवी गिरी शुरू। और क्या? अच्छा,
24 घंटे हुए नहीं है पति बनने। अरे थोड़ा टाइम तो दो। उसके बाद जितना लड़ना है लड़ लेना। बताओ अब क्या बात है। लो अब दूसरी बीवियों वाला हथियार भी निकाल दिया तुमने। रो मत यार। रोना नहीं आएगा क्या साहिल? ये भी कोई शादी है? आज रात को मेरा गृह प्रवेश होना चाहिए था। मैं तुम्हारे घर वालों से मिलती। सब हमें हस्बैंड एंड वाइफ बोलते, हम साथ होते, अपनी शादी और अपने फ्यूचर के बारे में बात करते। मैं यहाँ बैठ के ये नूडल्स नहीं खा रही होती। क्या नूडल्स? और मैं तो यहाँ पे तुम्हारा फेवरेट पनीर पसंद और बटर गार्लिक नान खा रहा हूँ। तो फिर कहो ना अकेले मुझे क्यों फोन कर रहे हो? वो क्या है ना, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, अकेले मुझसे खाना खाया नहीं जाता। साथ में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। साहिल साहिल फोन सब सो गए, बंद करो फोन। फोन उठाओ साहिल। करो जा। शिवानी माँ पापा उठ गए हैं, दरवाजा खोलो। साहिल जाओ तुम। अच्छा और अगर मैं नहीं जाऊं तो? साहिल प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा तो। पर रात तो अभी बाकी है। जाओ प्लीज जाओ। अच्छा ना। बाबा जा रहा हूँ। क्या हुआ थी? क्या हुआ, कहाँ है माँ बाबूजी, बात क्या है? देख शिवी, माँ पापा से चुपके मैंने तुम्हारी शादी कराई है, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों सही हो और कुछ दिन में हम माँ पापा को समझा मना लेंगे, लेकिन ये इस तरह रात को मिलना और ये सब जानते हुए मैं चुप रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन दी, मेरा मतलब है शिवी, जब तक दोनों परिवारों की रजामंदी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी मर्यादा में रहना। सॉरी शिवी, पर अब ये जिम्मेदारी मेरी भी है। आप मुझे जो कहोगे जैसे कहोगे ना, मैं वही करूंगी। और वैसे एक बात बताऊं, माँ बाबूजी के हाँ होने से पहले मैं खुद कभी हद नहीं पार करती। चलिए भाभी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हालांकि मानसी के घर वालों के पास सिर्फ एक हफ्ते का समय था, पर उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया। सही कह रही हो प्रभा, घर वालों ने एक एक बाराती का खुद ख्याल रखा। इतने संस्कारी लोग हैं, बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि अनूप और मानसी में भी तालमेल बैठ जाए। जी
हमेशा हमेशा दोनों साथ में खुश रहे। चलिए भाभी मैं चलती हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है। अब इस लड़के को देखो, लापरवाह नंबर वन, कमरे की लाइट जला के ही सो गया। साहिल, ये लड़का भी ना, चला गया ये लड़का। मॉम आप यहां पे? डरा दिया आपने मुझे। कहाँ था तू? माँ मैं वो बाहर। शर्म आनी चाहिए साहिल, आज भाई की शादी से गायब हो गया और अब। नहीं माँ मैं वो... मैं जानती हूँ साहिल तू वहाँ नहीं था, और आज फिर नहीं नहीं भाभी घर में आई है साहिल और तू घर से बाहर है। साफ साफ बता ये चक्कर क्या चल रहा है। नहीं माँ कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं अपने दोस्तों के साथ था, तो पता ना कैसे हूँ। कहीं तो उस लड़की से तो नहीं मिल रहा है ना, क्या नाम है उसका? शिवानी। मेरे मना करने के बावजूद शिवानी का चक्कर खत्म नहीं किया ना तूने? मां दरअसल वो, मैं जानती हूं ये नहीं हो सकता, इतना भरोसा है मुझे अपने बेटे पर, चाहे तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन उसका मान जरूर रखोगे। चल खैर, अनूप की शादी तो हो गई, इसलिए मैंने ज्योति को फोन करके तुमसे मिलने के लिए कहा है। कल एक बार उससे मिल लो, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। क्या सोच रहे हो? बहुत सोच समझ के लड़की चुनी है मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर पसंद आएगी, और देखना एक दिन थैंक्स भी कहोगे तुम मुझसे कि मैंने उस शिवानी से शादी करने के लिए रोका तुम्हें। अब चुपचाप क्या खड़े हो? ठीक है मम, बुला लो ज्योति को। आपको जो लड़की पसंद है उससे मिलने में मुझे क्या प्रॉब्लम? सच टायर मार देती हूँ। अनूप जी कैसे रखते हैं अपने पेपर्स? मैं ही समेट देती हूँ। भाभी जी आ जाओ। बड़ी मालकिन ने आपके लिए जूस और नाश्ता भिजवाया है। मैं नाश्ता नीचे ही कर लूंगी, तुम जाओ। अच्छा ठीक। भाभी मानसी इतनी सुबह कैसे उठ गई? मुझे आदत है, लाइए ना मैं पराठे बना देती हूँ। अरे नहीं, आज तुम्हारा फैमिली में पहला दिन है, तुमसे काम करवाऊंगी ना तो लोग कहेंगे कि मानसी की जिठानी तो बहुत बड़ी विलन है।
तुम और अनूप भैया खूब मस्ती करो, अरे थोड़ी आउटिंग शाउटिंग करो, फिर बाद में मैं जिठानी बनकर खूब ऑर्डर चलाऊंगी, समझी? आप अभी से ही ऑर्डर चला लीजिए, कोई बात नहीं। वैसे मुझे तो घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है, सच में। अच्छा मैं पराठे बना लेती हूँ, आप बाकी की तैयारियाँ कर लेना, इसी बहाने मेरी पहली रसोई भी हो जाएगी। अच्छा बाबा तुम इतना कह रही हो तो बस एक बार अलाउ कर देती हूँ, बार बार नहीं, वरना अनूप भैया कहेंगे कि मेरी वाइफ को आते ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? संध्या, नई बहू से काम क्यों करवा रही हो तुम? आज पहला दिन है ना इसका इस घर में। मामी जी, मानसी अपनी पहली रसोई बनाना चाहती थी तो मैंने सोचा कि मैं वो पहली रसोई ये नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि सही क्या है और गलत क्या। मम्मी जी, मैंने ही भाभी को बोला था कि मैं कर देती हूँ इसके। मानसी, तुम्हें संध्या की गलती छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तो आदत है काम से जी चुराने की। और संध्या, इसकी पहली रसोई कब बनेगी ये बड़े तय करेंगे ना। जी मम्मी जी। चलो मानसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी चमक कहाँ से आ रही है? क्या भाभी, आप तो बड़ी जल्दी नहा धो के रेडी हो गई। जरूर मॉम ने कहा होगा आपसे। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं तो खुद चाह रही थी कि मानसी आराम से सो के उठे। शादी की भागदौड़ में थक गई होगी ना। मम्मी जी मैं बहुत अच्छे से सोई, और वो क्या है ना, जल्दी सुबह नींद ही खुल जाती है। क्या भाभी, मुझे लगा था आपके आने के बाद मॉम के रूल्स तोड़ने वाले की गिनती बढ़ जाएगी। पर आप तो सास की प्यारी सुशील बहू ही निकली, और भाभी आपके सुशील पति कहीं नजर नहीं आ रहे, उन्हें नहीं उठाया आपने? वो ऊपर कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, आते ही होंगे। छोटो, ये कागज के ऊपर नीचे किया तुमने? 50 बारी तुझसे कहा है कि मेरे कमरे की चीज को हाथ मत लगाया करो।